सीता, जानकी, मैथिली, वैदेही, ये सभी नाम उचित हैं। इस शिशु के भाग्य से हमारे वंश की कीर्ति हमेशा अजरामर रहेगी, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। सावधान महाराज। सावधान, आपका इतनी शीघ्रता से इस निर्णय पर आना उचित नहीं है महाराज। कृपया स्पष्ट करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये शिशु एक स्वर्ण पेटी में इस राज्य की भूमि में कैसे पहुंचा होगा, पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना होगा महाराज। इस शिशु के पूर्व चरित्र को जानने के बाद ही कोई निर्णय ले सकते हैं। क्या ये शिशु देवताओं का प्रसाद है अथवा गुप्त रूप से इन असुरी शक्तियों का इस राजमहल में प्रवेश करने के पश्चात किसी तरह का उपद्रव मचाने का उद्देश्य तो नहीं है। त्रिलोक सुंदरी, तुम्हारे अनुपम मुख और काया ने इस पराक्रमी सांबा को हमेशा के लिए पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा देवी, बस मेरे काम विरह का निवारण कर दो। लोक के सभी सौभाग्य तुम्हारे होंगे। नेत्र तो खोलो, देखो मुझे। तुम्हारे इन व्यर्थ आलापों को छोड़ दो मनुष्य, क्योंकि मैंने मन ही मन में एक महापुरुष को अपने आप को अर्पित कर दिया है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। सुंदरी, तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें जिस वर की इच्छा है पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, परंतु मैं तो आ गया, तुम अपने नेत्र तो खोलो। हाँ, मेरा विश्वास करो, ये सांबा तुम्हें अपनाना चाहता है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम किसकी तपस्या में लीन हो। अपने अकालिक तपस्या से अपने इस मनोहर यौवन को नष्ट मत करो। आओ सुंदरी, मुझे अपना लो। हाँ